जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़रा काइंडली अपना तारुफ भी करा दें हमें, और काइंडली कोई क्वेश्चन है तो आप। डॉक्टर मुदसर रियाज साहब हमारे साथ हैं, फीट कंसल्टेंट। ओके सर, आई एम मोहम्मद अली और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। भी डीवीएम किया मैंने, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से। और अभी जो जो मेरी इंटर्नशिप थी वो पोल्ट्री थी, डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी आरफवाला में। डॉक्टर तारे नसीम साहब थे वहाँ पे, और कुछ अर्सा मैंने पीआरआई में भी टाइम गुजारा है वहाँ पे। वेरी उसकी गुड। जो फीड की लैब थी वहाँ पे भी, और फार्म हैचरी और डिजीज़ डायग्नोसिस में भी डॉक्टर फरहान साहब के साथ। तो सर आगे मेरा जो मूड है वो एमफिल करने का है न्यूट्रिशन में, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें जो करना चाहिए वो कंटिन्यू आगे, ताकि एक अच्छे तरीके से न्यूट्रिशंस बनाए जा सके। और क्या पाकिस्तान में करना चाहिए या जो है फॉरेन कंट्री उनको प्रेफर करना चाहिए। और सेकंड ये पूछना था कि जिस तरह आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, हम पढ़ तो लेंगे यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे, मगर जो हमारी एजुकेशन है आजकल पाकिस्तान में वो क्वालिटी की नहीं है, तो उसके लिए फिर आपकी आपसे कोई मेंटोरशिप लेनी हो तो उसके बारे में भी गाइड कर दें। और थैंक यू ओके सर, जी इसके अलावा कुछ जी डॉक्टर मुदस साहब। जी सर, प्लीज आप जवाब जी। दीजिएगा इसका। पहले तो क्वेश्चन था इनका कि मैं एमफिल करना चाह रहा हूँ न्यूट्रिशन में, तो अगर इनको है शौक है पैशन है तो जरूर करें, बल्कि एमफिल से आगे भी करें, क्योंकि फिर खास एज में बंदा फिर पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। पीएचडी अगर चांस मिलता है वो भी करें, बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो आपकी बात सही है कि उस लेवल में हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन अगर बंदे का इंटरेस्ट है और उसको पता है कि मैंने ये मेरा है डेस्टिनेशन, मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो फिर कोशिश करता है साथ साथ से पढ़ता है, जो भी खुद भी मेहनत करता है तो वो कवर हो जाती है ये चीज़ें। बाकी और क्या क्वेश्चन और न्यूट्रिशन में आई थिंक कह रहे थे, न्यूट्रिशन में मैं करना चाहता हूँ ना, मैं उसमें कहाँ पे करूँ, था? किस वो तो मैंने जगह कहा है कि अंदाज। आप करें, अगर आपका शौक है तो जरूर करें, उसमें तो कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, और दूसरा वो कह रहे थे इंटर्नशिप के लिए, अगर आप जो है आप हमें कोई, आपका है कोई ऐसा सिलसिला इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप मेरा तो इंडिपेंडेंट है अपना काम, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसमें कोई इशू नहीं, नंबर है आपके पास शेयर कर दीजिएगा। राइट, ठीक हो गया, वो नंबर शेयर कर देते हैं। सर ये पूछना था कि अगर हमने एमफिल करना है तो उसकी बजाय अगर हम 2 साल किसी इंडस्ट्री में काम कर लें, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और हमारी स्टडी का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। जिस तरह अभी मैंने रिसेंटली जब डीवीएम किया है, जब उसके बाद फील्ड में आए हैं तो वो टोटली डिफरेंट था सब कुछ, तो उसके बजाय अगर हम एमफिल ना करें और किसी अच्छे अच्छी जगह पे अगर अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर ली जाए या फिर वहाँ पे जॉब कर ली जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता अगर कल को एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो तो। और सेकंड ये था कि अगर एमफिल करना है तो वो उसके लिए फॉरेन कंट्री को प्रेफर करना चाहिए कि या पाकिस्तान को। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर कर लें, इसमें तो कोई नहीं। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि एमफिल ना करे बंदा जॉब कर ले, मेरा नहीं ख्याल, पहले बंदे को पढ़ना चाहिए और फिर जॉब करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा चीज़ों को फिर समझा नहीं होगा तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को लेकर चलना। पहले पढ़ें फिर उसके बाद, आपकी बात ठीक है थोड़ा सा फर्क है और प्रैक्टिकल और इधर किताबों में और सारी प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। थ्योरेटिकल होगा तो आप फिर प्रैक्टिकल करें। जी थैंक यू सर। इमरान साहब आवाज़ नहीं आ रही आप। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि कौन सी यूनिवर्सिटी इनको सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर इसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। मैंने अपनी बात करूं तो इधर युवास से किया था, इसी को रिकमेंड करूंगा, राइट, इसका अपने कैंपस इधर पत्तोकी में आ गया, उधर चला गया सारा डिपार्टमेंट, तो वो बेस्ट है। बाकी ये बात की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं या नहीं अच्छी, बंदे ने अगर खुद पढ़ना है खुद सीखना है तो जैसे भी हो ला तो कर लेता मैंने। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि
यहाँ पे अक्सर लोग डिस्कस करते हैं कि मेरिट या कोई ऐसी चीज, तो मेरिट बंदा खुद बनाता है, अपना मेरिट पहले बनाता है वो, फिर उसको पूरी दुनिया ऑफर करती है। हमारे काफ़ी जानने वाले हैं, हमारे अपनी फैमिली में मेरे भाई हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्हें अमेरिका से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर आई है, PhDs की हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो सो ग्रेट सर, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, आज आपने नॉलेज शेयरिंग की है हमारे साथ। और डॉक्टर साहब आप मोस्ट वेलकम सर, इंशाल्लाह ताला आपसे हम एडवाइस लेते रहेंगे, आपके आपके हम नंबर शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में फीड फॉर्मुलेशन के हवाले से। आपका विजिटिंग कार्ड जो है वो भी हमारे पास आ गया है, वो भी हमने पहले शेयर किया हुआ है, वो आपके साथ ही उसके साथ जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने शेयरिंग की, आपने जो हमारा हम काम लेके चले थे कि हमने नॉलेज शेयरिंग करनी है, लोगों को जो है अपग्रेड करना है, पाकिस्तान अपग्रेड होगा, पाकिस्तान के लोग अपग्रेड होंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो यही हमारा मोटो है सर। थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अरमान साहब। जी जी प्लीज इमरान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया, जो कुछ मैंने सीखा था उसको डिलीवर करने का, क्योंकि अगर आप अपने पास रखेंगे उस नॉलेज को जो आपने सीखा है, तो किसी को कोई फायदा नहीं होना, अगर आप उसको डिलीवर करेंगे तो उसको फायदा होगा और आपको अल्टीमेटली आपको भी फायदा होगा, तो आपकी सबसे पहले बेहतरीन काबिज है। बस सर ये आप जैसे लोग हमारे साथ मिले हैं, डॉक्टर सैफ रहमान साहब हैं, डॉक्टर बाबर साहब हैं और डॉक्टर इब्रार साहब हैं, डॉक्टर इतने इतने लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो हैं ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, गैप था और ख़ासकर उर्दू में गैप था। सर डॉक्टर सैफ रहमान साहब आपको भी बड़ा शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेट। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया और आप जब भी जरूरत हो तो आप बुला सकते हैं, कोई ऐसी बात। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह डॉक्टर सैफ रहमान साहब से हमारी इतवार को मुलाकात होगी जी ब्रीफ, तो डॉक्टर मुद्दत साहब आप भी हमारे उस ग्रुप में हैं, वेबिनार ग्रुप में, आपको भी शेयर हो जाएगा लिंक, इंशाल्लाह सी यू सर, इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़ सर।